मैं प्रज्ञा रानी पेंटिकॉस्टल असेंबली स्कूल की छात्रा हूँ। मैं हमेशा से एक अच्छी छात्रा रही हूँ, पर इतने अच्छे परसेंटेज आने के बाद तो नेचुरली किसी को भी अच्छा लगता है। और मेरे 97.2% आए हैं और मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ और मुझे बहुत बहुत खुशी है। मुझे जितनी खुशी है उससे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को और मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को और टीचर्स को खुशी है, तो उनको देखकर मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे मैं एक एक एग्ज़ाम देते गई, मुझे तो पता था कि मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे हैं। एक दो पेपर जैसे पॉलिटिकल साइंस, वो थोड़ा ट्रिकी था, पर मुझे पता था कि जितना मैंने लिखा है वो उससे मैं सैटिस्फाइड थी। मैं अपने हर एक पेपर से सैटिस्फाइड थी, पर मैं उतना ज़्यादा सोच नहीं रही थी कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे, क्योंकि उससे थोड़ा सा भी कम अगर हो जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता बाद में। तो जो मेरे फाइनल परसेंटेज आए हैं उससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश और सैटिस्फाइड हूँ। और जैसी मेरी पूरे साल की तैयारी हुई, जैसे ही पिछले साल मेरे क्लास 12 के बुक्स आए थे, मैंने खुद से पढ़ना शुरू कर दिया था। स्कूल में तो हमें बहुत अच्छे तरीके से नोट्स दिए जाते थे, पर नोट्स लेना और नोट्स खुद से बनाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो बुक के थ्रू लाइन बाय लाइन जाना बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और चैप्टर के को अच्छे तरीके से समझना है। तो मैं हमेशा बुक पढ़ती थी, स्कूल के नोट्स तो हेल्प हमेशा करते ही थे, तो मेरे खुद के नोट्स भी अच्छे होते थे कि मैं जब एग्ज़ाम देने जाऊं तो वो नोट्स मुझे काम आए। तो मैं पूरे हर टाइम में पूरे साल नोट्स बनाती थी और जब भी एग्ज़ाम होता था तो उन नोट्स को मैं बहुत अच्छे से गो थ्रू करती थी। तो यही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी कि मैं कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करती थी, हमेशा मैं नोट्स बनाती थी और एग्ज़ाम के टाइम फिर टाइम बचाकर उन नोट्स को पढ़ती थी। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी जिससे मुझे इतने अच्छे मार्क्स आ पाए। ट्वेल्थ के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैंने हमेशा क्लैट यानी कि लॉ, उसको मैंने हमेशा प्रेफरेंस दिया है। मैं लॉ के फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ और या तो जज या फिर किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहती हूँ एज अ लॉ ऑफिसर। तो मेरा हमेशा से ड्रीम वही रहा है। मैंने क्लैट का फॉर्म भरा हुआ है, अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस के फॉर्म भी भरे हुए हैं, इनफैक्ट मैंने DU भी भरा हुआ है। तो जहाँ पर भी मेरा सबसे अच्छा हो पाता है, जो भी कॉलेज मुझे सेलेक्ट करने को मिलता है, तो मैं उसमें से फिर शॉर्टलिस्ट करके जो मुझे सबसे अच्छी जगह लगेगी मैं वहीं जाना चाहूँगी। और ये जो मुझे सक्सेस मिली है, इसका सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे माता पिता को जाता है। हमेशा मुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती थी, घर में शांति चाहिए, बुक्स चाहिए, अलग अलग बुक्स चाहिए होते थे, इंटरनेट सपोर्ट चाहिए होता था, मोरल सपोर्ट चाहिए होता था, वो मम्मी पापा के थ्रू हमेशा मिलता रहता था, मेरे भाई के थ्रू मिलता रहता था। और सेकंड पोजीशन पे हमेशा मेरे टीचर्स आएंगे, उनके नोट्स बहुत अच्छे होते थे, सपोर्ट अच्छा होता था, गाइडेंस होती थी कि आपको ये पढ़ना है, आपको ये इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, स्कूल के मार्क्स कहाँ मेरे कम हो रहे हैं, क्या कहाँ मैं गलती कर रही हूँ। और फिर मेरे टीचर्स और फ्रेंड्स का भी बहुत सपोर्ट रहता था, अगर आप अच्छे सर्कल में हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई करते हो। और मेरा सर्कल बहुत अच्छा था, हमेशा सब लोग सपोर्टिव रहते थे हर चीज़ के लिए, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, मैं बहुत अलग अलग चीज़ों में, बोलने में, डांस में, हर चीज़ में मैं जाती थी और सब हमेशा से सपोर्ट करते थे। तो मेरा ग्रुप, मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है मेरे सक्सेस में। और इस कंट्री लॉकडाउन के वजह से मेरा एक पेपर हिंदी का वो नहीं हो पाया था, और उसको CBSE ने डिसाइड किया था कि पहले 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स के एवरेज को निकाल कर उस पर मार्किंग की जाएगी। तो मेरे बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स जो थे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, तो उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, तो उसका एवरेज निकाल कर उन्होंने मुझे हिंदी में 98 दिया है। तो उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ कि अगर मैं खुद से एग्ज़ाम देती पढ़ के तो मेरे उस समय भी इतने ही आते। तो अभी एवरेज निकाल करके जो इन्होंने दिया है तो वो अच्छे तरीके से दिया है और सोच समझ कर ही दिया है, तो मैं सैटिस्फाइड हूँ उससे। और जो छात्र छात्राएं अगले साल अपीयर होने वाले हैं CBSE 12th बोर्ड्स के लिए, उनके लिए तो सबसे ज़रूरी सलाह मेरे तरफ से यही रहेगी कि पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने हेल्थ की भी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। इतने ऐसे क्राइसिस में, ऐसे पैंडमिक के समय आप लोगों को अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही कॉन्शियस होना चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए और आप हेल्दी रहेंगे तभी आपकी पढ़ाई भी हो पाएगी। तो पूरे साल आपको बस फोकस करे रखना है,
आपको पढ़ते पढ़ते हमेशा उस मेन गोल के बारे में सोचना है कि जब आपके रिजल्ट्स आएंगे तो आप कितने खुश होंगे, जब आपके अच्छे परसेंटेज आएंगे और आपको ऐसे इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप बस उस एक खुशी के बारे में सोचिए और वो खुशी आपसे सब सारी मेहनत करवा देगी। आज की एडवांस दुनिया में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो बच्चे लोगों को फेस करने पड़ते हैं जब वो पढ़ने बैठते हैं। सबसे मेन है उसमें गेमिंग के लिए पबजी और फ़ोन ऐसे देखते रहने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए टिकटॉक। तो अगर आप इसमें इंडल्ज होते हैं थोड़े देर के लिए भी, तो वो आपको खींच कर उस पॉइंट तक ले जाता है जहाँ पर आपको ये गलत होते हुए भी सही लगने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं, आप डिटर्मिंड है कि आपको ट्वेल्थ में अच्छा करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप जितना दूर इससे रह सके उतना सही होगा आपके लिए। एक बार आप इसमें जाएंगे तो ये बस आपको डुबाता ले जाएगा जहाँ पर आपको पढ़ाई लिखाई करने का भी मन नहीं करेगा। आपको बस मन करेगा कि आप टिकटॉक बनाओ और आप पबजी खेलो दोस्तों के साथ। तो आपको कम से कम इस एक साल पबजी और टिकटॉक और इनफैक्ट आपके फ़ोन से ही थोड़ा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जितना आपको काम है आप उतना ही यूज़ करें, टाइम टेबल बनाकर रखें इन सब चीज़ों के लिए, पर जितना हो सके आप उतना आप उससे दूर रहें। धन्यवाद।